जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन रोकने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और इंक्वायरियों में तलबी के नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। मजीद जानते हैं आज न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम शेख बताएगा अदालती कार्रवाई की तफसीलात क्या है। जी बिल्कुल, अदालत में जो है वो इस वक्त कार्रवाई शुरू हो गई है और केस की जो समाअत है जस्टिस तारिक सलीम शेख की सदाई में दो रुकनी बेंच कर रहे हैं और इमरान खान जो है वो इस वक्त रोस्टर पर आ गए और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो दलाइल दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि हर रोज नया मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब तक इमरान खान पर 140 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। इमरान खान को हर रोज किसी ना किसी अदालत पेश होना पड़ता है। उनका ये कहना है कि हमने अदालत में 121 केसेस की तफसीलात के साथ दरख्वास्त लगाई थी लेकिन अब 141 मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुके हैं। साथ साथ ये भी ये कहना है कि इमरान खान के वकील का कि कानून की मंशा की गिरफ्तारी से खबर कानूनी जवाब पेश करे, सियासी आवाज को दबाने के लिए बिना जवाब मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इमरान खान के बुनियादी हकूक तलब किए जा रहे हैं, इधर मुकदमा दर्ज होता है और इधर पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाती है। इस्तदा भी की गई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को जो है रोका जाए और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि असल वाकयात को तोड़ मरोड़ कर नया मुकदमा कायम कर दिया जाता है। जी, जमान पार्क ऑपरेशन रोकने इंक्वायरीज में तलबी के नोटिस के खिलाफ समाचार जारी है। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।